नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल 2022 में परीक्षा देने वाले इंटर और मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी कर दिया है। बताते चले कि पहले ही बिहार बोर्ड ने घोषणा की थी कि साल 2022 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए डमी यानी कि नकली रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए जाएंगे, उसके बाद असली रजिस्ट्रेशन कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। इसी के तहत बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 28 जुलाई 2021 से लेकर 5 अगस्त 2021 तक के लिए ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपलोड किया है। इस दौरान छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि डमी रजिस्ट्रेशन इसलिए जारी की जाती है कि अगर विद्यार्थी के नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, धर्म, विषय या फिर फोटो में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो विद्यार्थी उसे खुद ही जाँच कर उसमें सुधार करवा सकते हैं। ऐसे में फाइनल रजिस्ट्रेशन के वक्त विद्यार्थी की सभी जानकारियाँ पुख्ता और सही हो पाती है। बिहार बोर्ड इस बार विद्यार्थियों को खुद से भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का मौका दे रही है। ऐसे में अगर आप भी मैट्रिक या इंटर की परीक्षा 2022 में देने वाले हैं तो आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जांचना बेहद जरूरी है। आपको बताते चले कि आप अपने डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इसके लिए तारीख को जारी कर दिया है। इसके मुताबिक आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में 5 अगस्त तक ही सुधार करवा सकते हैं। ऐसे में हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से जरूरी जानकारी दर्ज करके अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करें। अब आप उसमें अपने नाम, माता पिता के नाम, सर्टिफिकेट, जन्म की तारीख, जाति, कोटि, लिंग, फोटो और विषय को सही सही देख लें। अगर उसमें ये सभी चीज़ें सही सही हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर इन जानकारियों में से किसी में भी त्रुटि पाई गई तो आपको सुधार करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको डमी कार्ड की 2 फोटोकॉपीज निकालवानी होगी। उनमें आप सही सही जानकारी को मिलान कर लें और गलतियों को सुधार लें और इसके बाद फिर अपने हस्ताक्षर के साथ उन दोनों प्रतियों को संबंधित विद्यालय या फिर महाविद्यालय में जमा कर दें जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जमा करने के बाद उनमें से एक प्रति को आप संस्था के प्रधान से साइन करवाकर और मुहर और तिथि के साथ अपने पास रख ले। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में विद्यालय या फिर महाविद्यालय आपके रजिस्ट्रेशन में सुधार करवा देगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बोर्ड ने साफ तौर पर निर्देश जारी किया है और कहा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा करने वाले छात्र 1 अगस्त तक हर हाल में शुल्क जमा कर दें। ऐसे में आप भी अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लें और गलतियों में सुधार कर लें ताकि बोर्ड की परीक्षा के वक्त आपको किसी तरह की समस्या ना हो। रजिस्ट्रेशन कार्ड में सही जानकारी होना बेहद जरूरी होता है क्योंकि आगे चलकर उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही आपकी रिजल्ट और एडमिट कार्ड भी जारी होते हैं। ऐसे में इस काम को करवाने में आप विद्यार्थीगण अनदेखी ना करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।